हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रप्रभा अकेडमी सो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर कोर्स तो जैसा आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम चार कोर्स के बारे में कवर करने वाले हैं सबसे पहला होगा हमारा बीसीडी कोड इसके बाद हम पढ़ रहे होंगे ई पी सी डी आई सी कोर्ड इसके बाद हम पढ़ेंगे एस्काई या फिर कई लोग उसे एसकी कोड भी कहते हैं और फिर हम पढ़ेंगे यूनिकोड तो ये सारे जो कोर्स हैं उन्हें हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो मैं आपको पहले बता दूँ कि ये कोर्स जाना इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर सीखते हैं तो उसके बेसिक इसका जो कोडिंग होता है वो यही चार कोड्स के थ्रू किया जाता है तो आपको ये चार कोड समझना सीखना इन्हें काफी इंपॉर्टेंट होता है साथ ही हम इसका एग्जाम्पल्स की बात करने वाले हैं और किस तरह से ये कभी डिस्कवर किए गए हैं इनका इंपॉर्टेंस क्या है ये सारी चीजें हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ऑल पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि जो कुछ भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर कोर्स तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीसीडी कोड तो बीसीडी आप यहां पर देख सकते हैं बीसीडी कोड हमारा फोस्ट कोड है तो बीसीडी का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल तो ये बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब क्या है वो हम अभी देखेंगे आप पहले समझिएगा कि बाइनरी का मतलब होता है बाय तो बाय का मतलब होता है दो जिसके अंदर जीरो और वन इंक्लूड होते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं कि बाइनरी के अंदर जो सारे टर्म्स होंगे वो जीरो और वन के डिजिट्स के अंदर ही लिखे होंगे कोडेड का मतलब होता है कि उन्हें है कि हम कोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और डेसिमल का मतलब होता है जिसका बेस या फिर जो रेडिक्स है वो टेन हो और जो बाइनरी है उसका बेस या फिर जो रेडिक्स है वो टू होता है तो इस तरह से जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है वो इसका मतलब होता है बीसीडी का तो जैसा आप देख सकते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड जो है फर्स्ट हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं कन्वर्ट ईच डिजिट ऑफ अ डेसिमल नंबर इट्स बाइनरी इक्वलेंट इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग द एंटायर वैल्यू वाले इट्स बाइनरी इक्वलेंट तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जब भी कोई एक डिजिट हमारे पास आता है तो सबसे पहले जो है वो हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं बाइनरी डेसिमल के बाइनरी इक्विलेंट uh, के अंदर ना कि हम पूरे उन्हें बाइनरी नंबर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करते हैं इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि हमें टोटली वो डिजिट को जो है वो बाइनरी नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करना होता बल्कि कुछ बाइनरी इक्विवेलेंट टर्म्स के अंदर हमें उन्हें रिप्रेजेंट करना होता है तो आई थिंक कि आपको ये इसी तरह का जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा गया होगा लेकिन हम इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा इसके नीचे जैसे आप देख सकते हैं ईच डेसिमल डिजिट इज इंडिपेंडेंटली कन्वर्टेड इन टू फोर बिट बाइनरी नंबर तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर कि जब भी हम कन्वर्सन करे होते हैं तो फोर बिट

टू वन सो एट फोर टू वन का सिस्टम का मतलब होता है बिट आप देख सकते हैं कि टोटली totally जो इसका जो सम है वो कुछ इस तरह से आएगा एट प्लस फोर टू जो है वो फोर्टीन होता, तो होता, तो होता है तो हम ईट फोर टू वन काम करते हैं और हम ईच टर्म टर्म लिखा भी था कि कन्वर्ट ईच डिजिट यानी कि हर एक ईच डिजिट वन बाय वन को हमें कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले हम टू की बात करेंगे फिर हम सेवन की बात करेंगे जब भी हम यहाँ पर टू को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं टू के नीचे वन आएगा बाकी सब जीरो तो ये हमारा हो गया टू का रिप्रेज 7 की अगर हम बात करते हैं तो तो जो है है होता 1, 7. तो यहाँ पर 3 के के मतलब इसके नीचे नीचे सभी और एट का कुछ काम नहीं है तो आप देख सकते हैं है, तो है, उन्हें हम कुछ इस तरह से लिखेंगे जीरो जीरो वन जीरो और फिर जीरो वन 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 और ये जो है वो हमारा बी सी डी के अंदर हमने कन्वर्ट कर लिया है तो इस तरह से सिंपल कन्वर्शन होता है ये डेसिमल बी बीसीडी सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये बी सी डी का जो पूरा कोड सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया होगा अभी हम बी सी डी करने के बाद जो है वो हम अभी सीखने वाले हैं ई बी सी डी आई सी कोड क्या होता है तो उधर वो देख लेता है सो so, जैसे आप देख सकते हैं ई बी सी डी आई सी यहां पर हमने लिखा है ई बी सी डी आई सी का सबसे पहले फुल फॉर्म जाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि बेसिकली ये ई बी सी डी आई सी का मतलब क्या होता है सो so, ई e का मतलब होता है एक्सटेंडेड बी सी डी का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल जो हमने अभी फिलहाल देखा इसके बाद में आई का मतलब होता है इंटरचेंज और सी का मतलब होता है कोड तो ये एक सेकेंड तरह का कोड है जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमने बीसीडी का इन्वेंट कराया उसके बाद हम आते हैं ई बी सी डी आई सी जो की बीसीडी

है, जो बीसी कोड होता है वो सिर्फ और सिर्फ फोर बिट का होता है लेकिन जो ई बी सी डी आई सी कोड है वो एट बिट का होता है इससे डबल होता है ये, और तो ये आईबीएम से डेवलप कर दिया गया था तो इसका फुल फॉर्म आपको बताएंगा सिमिलरली ई बी सी एन सी कोर्स जो है इट इज़ यूज इन मोस्ट ऑफ आई बी एम मोड्स साथ ही अलग अलग कंप्यूटर्स के अंदर हम ई बी सी एंड सी कोड का इस्तेमाल करते थे फिलहाल तो हम और भी कई ज़्यादा जो प्रोग्रामेबल लैंग्वेज हैं जो सारे कोडिंग के मैथड्स हैं अलग अलग हम वहाँ पर अभी यूजर फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करते हैं कोडिंग के अभी फिलहाल तो है वो ई बी सी आई सी हम मेजरली यूज़ नहीं करते हैं ना ही हम बी सी डी कोर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनका बेसिक जाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जो सारे कोड्स है वो इन्वेंट हुए थे इसके बाद हम एसके कोड या फिर एस्काई कोड की बात करते हैं कई लोग इसे एस्काई कहते हैं और ASCII कोड भी से हम कह सकते हैं बेसिकली so इसका फुल फॉर्म जाना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो ए एस सी आई आई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज तो ये इसका फुल फॉर्म होता है आप देख सकते हैं ए एस सी आई आई तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है ये तो ये कोड जो है पॉपुलर होता है डेटा कम्युनिकेशंस में माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर तो सबसे पहले आपको पता था पता होगा कि पहले हम माइक्रो कंप्यूटर्स पहले मिनी कंप्यूटर्स आए उसके बाद जो है वो माइक्रो कंप्यूटर्स आए जो कि मिनी कंप्यूटर्स से भी काफ़ी ज़्यादा छोटे थे तो जो उसके अंदर जब भी हम डेटा कम्युनिकेशन्स की बात तो करते हैं तो उसके अंदर हम एस्की कोड या फिर स्काई कोड का इस्तेमाल करते हैं सो so, अगर हम बात करते हैं कि ये कोड को बेसिकली इन्वेंट किसने किया था तो इसे इन्वेंट किया था अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने जिसे हम ए एन एस आई कहते हैं तो ये जो था वो उन्होंने पब्लिश किया था स्काई कोड को और वो 1963 में पब्लिश हुआ था फर्स्टली तो इसके बाद फाइनली जो 1986 है उसके अंदर हमने यही कोड को जब भी आज जिस तरह से हम उन्हें देख पाते हैं तो वो फॉर्मेट में Uh, जो है वो 1986 में से पब्लिश कर दिया गया था तो यानी कि इसके अंदर जितने फाइनल एडवासमेंट लाए दिए गए थे वो 1986 के अंदर थे और जो इसे इन्वेंट किया था वो 1963 में था तो किसने इन्वेंट किया था ये याद रखिएगा एन एस ए एन एस आई ने यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसे पब्लिश किया था नाइनटीन के अंदर और फिर ये हम देखते हैं फोधर की जो एस्काई कोड है या फिर एप्स की कोड है वो फोधर दो टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होता है सबसे पहला होता है हमारा एप्स की सेवन जो कि रिप्रेजेंट करता है सेवन बिट कोड को और इसके बाद होता है हमारा एप्स की एट जो कि रिप्रेजेंट करता है एट बिट कोड को तो ये हमें दोनों याद रखना है मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है मेजरली हम यही कोड इस्तेमाल करते हैं जो कि होता है हमारा एप्स की सेवन जो कि सेवन बिट के अंदर इस्तेमाल हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी डिजिट्स को तो एसकी कोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा साथ ही फ्रेंड्स ये आज के कोड के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसके अंदर हमने डिस्कस कर रखा है कि किस तरह से सारे जो कोड्स हैं उनके इक्विवेलेंट नंबर्स जो होते हैं वो हम याद किस तरह से रख सकते हैं तो इसके मैंने एक आपको शानदार ट्रिक बताई थी तो अगर आपको ये आज के कोड को इन डिटेल पढ़ना है तो वो वीडियो के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं आपका पूरा एसके कोड वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा तुरंत एग्जाम्पल्स के साथ हमने वहाँ पर सॉल्व कर रखा है के कोड जाने के बाद अभी हम बात करने वाले हैं यूनिक कोड के बारे में सो so, सबसे पहले हम यूनिक कोड का फॉर्म समझ लेते हैं यू एन आई का मतलब होता है यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड तो ये बेसिकली इसे हम यूनिक कोड कहते हैं यूनिक का मतलब होता है यूनिवर्सल सी है, का मतलब होता है कैरेक्टर एंड कोडिंग स्टैंडर्ड सो इस तरह से हम याद रख सकते हैं बेसिकली इसका वर्ड टू वर्ड फुल फॉर्म तो है नहीं लेकिन हमें इसी तरह से याद रखना है यूनिवर्सल कैरेक्टर और इनकोडिंग स्टैंडर्ड जो है वो यूनिक कोड होता है इट हैज कपैसिटी टू इनकोड एज मेनी मिलियन कैरेक्टर्स तो थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स को जो है वो ये सिस्टम इनकोड कर सकती है तो उसके अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है इट असाइंड ईच कैरेक्टर अ यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू और जो है हर एक कैरेक्टर जो है हर एक कैरेक्टर को अलग अलग नाम देने का अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू उसे प्रोवाइड करने का असाइन करने का काम जो है ये यूनिकोड करता है साथ ही जो नेम कीपिंग कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम होता है वो इसके अंदर काफ़ी सिंपल और एफिशिएंट होता है तो ये हमें याद रखना है यूनिकोड के अंदर एक इसका एडवांटेज ये है कि जो नेम कीपिंग कैरेक्टर कोडिंग का सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और एफिशियंट है यानी कि बहुत यूजर फ्रेंडली है इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इट रिजर्व्स अ पार्ट ऑफ द कोड स्पेस प्राइवेट यूज टू एनेबल यूजर्स टू असाइन कोड्स फॉर देयर कैरेक्टर्स एंड सिंबल यानी कि यूनिकोड का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ पार्ट कुछ स्पेस uh, जो है वो रिजर्व कर दिया जाता है यूजर के लिए ताकि यूजर अगर कोई वैल्यू को असाइन करना चाहता है खुद के कैरेक्टर्स खुद के सिंबल अगर वो बनाना चाहता है तो वो बना सकता है तो उसके लिए जो है वो अलग से कोड स्पेस वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है जो कि प्राइवेट होती है यूजर्स के लिए तो ये जो है वो यूनिकोड का पूरा एडवांटेज है और यूनिकोड जो है फर्दर हम देख सकते हैं कि यूनिकोड एनकोडिंग फॉर्म्स कौन से कौन से होते हैं तो सबसे पहले हम यू

होता है हमारा एट बेट का जो कि बाइट ओरिएंटेड फॉर्मेट होता है फिर होता है यूटीएफ सिक्सटीन बेट का जो कि वर्ड ओरिएंटेड फॉर्मेट होता है तो ये आप याद रखिए इसके बाद होता है हमारा यूटीएफ थर्टी टू जो कि डबल वर्ड ओरिएंटेड फॉर्मेट का होता है तो ये आप याद रखिएगा कि कौन सी बिट का यू एफ यू टी एफ जो है वो कौन सा उसका फंक्शनिंग होता है कौन से फॉर्मेट का होता है तो ये सारा यूनिकोड एनकोडिंग फॉर्म हो गया तो आई होप कि आपको ये सारे जो कोड्स है चार कोड्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे वो चार कोड्स आपको समझ में आ गए बी सी डी कोर्ड ई बी सी डी आई सी स्काई कोड या फिर एसकी कोड जिसे आप कहते हैं और यूनिकोड ये सभी जो कोड्स हैं वो हमने आज डिस्कस कर लिखे हैं तो ये बेसिक्स कोड्स जो है वो जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आपको ये आ गया तो आपको मेजर जो 50 परसेंट ऑफ कोडिंग है वो आपको समझ में आ गया और इसे इन डिटेल हम सॉल्व किस तरह से करते हैं इनका स्पेसिफिकली एक एक कोड का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर वो हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर सीखेंगे तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में टिल देन स्टे ट्यून